वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही ब्रजते तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियो जगत कल्याणी हम ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंतो हो जयवंतो मित्र वर्धमान भगवान तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्यानुभव प्रदान किया है। संपूर्ण जीवन आनंद कंदमय है, ऐसा कोई पल नहीं है जिसमें आनंद न हो। आनंद के बिना जीव जी नहीं सकता, पर आनंद के भेद भिन्न है। संसार में जी रहे तो आनंद के साथ जी रहे हो, मोक्ष मार्ग में जी रहे आनंद के साथ जी रहे हो, और कर्म शून्य है वे परमानंद में जी रहे। आनंद का अभाव होते ही व्यक्ति आत्महत्या की ओर दौड़ता है। आनंद भंग होते ही जीव क्लेश को प्राप्त होता है। असत्ता के उदय से आनंद भंग होता है, और आनंद भंग में जो निमग्न होता है वो पुनः असत्ता के बंध को प्राप्त होता है। सिद्धांत को समझना, आनंद आत्मा का धर्म है। आनंद आत्मा का धर्म है, वो आत्मा का धर्म कभी आत्मा से भिन्न नहीं होता। जो विश्वानंद में डूबा है वो बंध को प्राप्त होता है, आत्मानंद में डूबा है वो निर्बंध को प्राप्त होता है, और निर्बंध बंध से शून्य जो सिद्ध परमात्मा है अव्यावाद आनंद को प्राप्त होता है। अब प्रश्न यह है कि विश्वानंद जो है ये बहुत बड़ा आनंद है, दुख नहीं कहना, आनंद है। दुख में व्यक्ति जी नहीं पाता है, क्लेश को प्राप्त होता है, पर जो विषयों का आनंद आपको दिख रहा है वो दुख का देने वाला है, इसलिए दुखभूत है। कारण होने से उसे दुखभूत कहा है, लेकिन पुनः विचार करना, ये योगेश्वर साधु साध्विया गृह प्रज्ञ का परित्याग करके मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, इनके पास क्या है? शरीर के ठुठरते मत देखना, चेहरे की प्रसन्नता को देखना, चेहरे की प्रसन्नता को देखना, और चेहरा प्रसन्न दिखे फिर प्रश्न करना कि बसंत, मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी हम हंसना तो जानते हैं पर मुस्कुराना नहीं जानते। हंसने में मुस्कुराने में बहुत अंतर है। हंसना जगत जानता है, मुस्कुराना वही जानता है जिसके भीतर आनंद होता है। विश्वानंद की अनुभूति के उपरांत खिन्नता आती है, विश्वानंद के आनंद के उपरांत खिन्नता आती है, और मित्र आत्मानंद के उपरांत आत्मा आह्लादित होती है और चित्त प्रसन्न होता है। योगी के चेहरे पर लिखा होता है मित्र, अनक्षरी भाषा में, योगी के चेहरे पर लिखा होता है अनक्षरी भाषा में कि जब जगत के सारे आनंद विराम ले लेते हैं तब आत्मा का आनंद प्रारंभ होता है। और यही कारण है कि जैसे भगवान चंद्रप्रभु स्वामी तजारा में विराजमान, उनके श्री मुख मंडल को निहारने के लिए श्रमण श्रमणिया साधु साध्विया और सारा श्रावक गण
जैन अजैन सभी चंदप्रभु चरणों में बैठने आते हैं। बोले प्रभु देते क्या है? अध्यक्ष जी प्रश्न करना चाहिए, भगवान आपको को लगना चाहिए कि हमारे चंदप्रभु स्वामी हमारे पास हैं और पूरे देश के श्रावक श्रावकाएं साधु संत सब पधारते हैं, जैन अजैन सब यहां आते हैं, ये देते क्या है? हाथ से उठा करके दूसरे के हाथ में देना ये दृश्यमान है। हाथ से उठा करके दूसरे के हाथ में दे देना ये दृश्यमान है। जो भी दिया जाता है पर वस्तु, जो भी दिया जाता है पर वस्तु, पर की वस्तु को उठा के दे देना, तुमने अपना क्या दिया? किसी ने श्रीफल भेंट किया, किसी ने मित्र, किसी को वस्त्र आभूषण भेंट किए हैं, किसी ने धन भेंट किया है, प्रदीप आपका इसमें क्या है? मित्र जितने धनपति यहां बैठे हैं, आप तो मुस्कुरा के कोई भी गरीब मिल जाए उसको दान दे देना, आप तो मुस्कुरा करके साधुओं के हाथ पे ग्रास रख देना, मित्र अतिथियों को भोजन करा देना। बोले क्यों? मुस्कुरा के कराना प्रदीप, रोके नहीं कराना कि मेरा घर चोर रहा है, मेरा घर चोर रहा है, ऐसा जो विचार करता है वो पागल आदमी है। जो मैं दे रहा हूं वो मैं नहीं हूं, जो मैं दे रहा हूं मैं नहीं हूं, और जिसके उदय से दे रहा हूं वो भी मैं नहीं हूं। पुण्य के उदय से प्राप्त है और पुण्य में जा रहा है, न मेरा ये है न मेरा वो है, जो है सो है। मेरा क्या है? मेरा है क्या? संसार में दुख का महान कोई बिंदु है, उसका नाम कर्ता बुद्धि। कुंद कुंद जैसे योगी ने प्रहार किया है किसी पर, तो कर्ता बुद्धि पर किया है। समय सार में संपूर्ण ग्रंथ में कोई सार है, तो कर्ता बुद्धि का अभाव है। जब जब सुकृत का उदय आए, पुण्य का उदय आए, यही मान के चलना। कुछ ऐसा द्रव्य पुण्य का कि अध्यक्ष अभी भगवान चंद्रप्रभु स्वामी के दर्शन करने में वहां गया, चौबीसी जिनाले में, संपूर्ण फर्श गीला था। ये गीला किसने किया? किसने किया? एक बालक कह रहा गुरुजी ऊपर से ओस गिर रही है। किसने गिराई? भगवान ने? भगवान ने नहीं गिराई, प्रकृति की सहज प्रणति है, नैसर्गिक है, प्राकृतिक है। जैसे एक एक बूंद ओस की गिरते गिरते फर्श को गीला कर दिए, एक एक बूंद गिरते गिरते ओस की फर्श को गीला कर दिए। मित्र विश्वास मानिए, कुछ भी मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, शांत बैठ जाइए, तुम्हारी कसाएं बंद होंगी, पुण्य की बूंदें ऐसी टपकेंगी ऐसी टपकेंगी, आपको माला माल कर देगी। लिया नहीं जाता, दिया नहीं जाता, अपने आप प्राप्त होता है। आदमी यदि बसंत रोते मिल जाए तो ईमानदारी से बोलना, उसके सामने आप मुस्कुराओगे? कोई व्यक्ति आपको रोते मिल जाए आप हंसोगे उसके सामने? एक मानवता के नाते भी देखो, एक लोक व्यवहार में देखो, सामाजिक दृष्टि में देखो, कोई व्यक्ति बिलख रहा रो रहा है आप मुस्कुराओगे? जबकि मालूम वो अपने दुख से दुखी था, आपकी जेब पैसों से भरी हुई थी और आपके अध्यक्ष ने आपको बर्फी लड्डू खिलाए थे, पेट भी भरा हुआ था, फिर भी वो दुखिया को देख करके आप क्या करोगे? ईमानदार से बोलना। आप वो कोशिश करोगे खुश हो कि आप पहले अपना चेहरा दुखी करोगे? ये यथार्थ बोली है। किसी घर में किसी की मृत्यु होती है, उसके द्वारे में बैठने जाओ तो मुस्कुरा के बैठने जाते कि थोड़ा चेहरा बनता है? क्यों नहीं मुस्कुराते?
मुस्कुराना चाहिए ना। बोलो बोलो जल्दी बोलो, समय नहीं है, तू कभी है भाई, मंच को हिलाने वाला है भाई, बोल, मुस्कुराना चाहिए ना। इसलिए मैं ऐसे द्वारों पर जाते ही नहीं हूं जिस द्वारे पर जाने पर स्वयं का सुख भूल करके उसको सांत्वना दिलाने के पीछे हमें अपना चेहरा बिगाड़ना पड़े। इसमें ऐसे द्वार पर जाती नहीं हूं जहां चेहरा नहीं बिगड़ता हूं, प्रभु के चरणों में आता। उन द्वारों पर क्यों जाएं जिन द्वारों पर मुझे अपनी खुशी समाप्त करना पड़ जाए। ओहो, जेठ के जन्मे सुख ही दिखता है। ओहो, जेठ के जन्मे को सुख ही दिखता है और श्रावण के जन्मे को हरा ही हरा दिखता है। तो जेठ में जो जन्मे बेसुखा देखे, मुझे तो प्रभु के चरण में हरा ही हरा ही दिखता है। इसलिए ज्ञानियों वहां जाना चाहिए जहां हरा ही हरा दिखता हो। बसंत भैया, बात ऐसी है, दुखियों के द्वारे जाओ, द्वारों तो दूर है, विश्वास मानिए। इस साध्वी जी बैठे हुए हैं, मुनिराज बैठे हुए हैं, इन सबको अनुभव है, इन सबको अनुभव है, क्योंकि देश देश में पैदल विहार करने वाले को जो ज्ञान होता है वो लाखों ग्रंथों पढ़ने वाले को ज्ञान नहीं होता। लाखों ग्रंथ का अध्ययन कर लीजिए और एक बार देश की परिक्रमा लगा के आइए, वो लाखों ग्रंथों का अध्ययन करने वाला फैल हो जाएगा, परंतु जो देख के आया है उसे साक्षात करके आया है। साक्षात, आप मुझे क्षेत्र की परिचय पुस्तक दे दो, मैं पढ़ लूंगा, लेकिन आप मुझे कहो, मैं बहुत बड़ा ग्रंथ लिख दूंगा। क्यों? आपने प्रभु को देखा है, क्षेत्र की पुस्तक लिखी है, वो छोटी सी है, और मित्र जिसने आकर के देखा है, लिखने वाला क्षेत्र को देख के लिख रहा है कि छेवशम से लिख रहा है। अब बसंत, अब तुम ठीक स्थान पर आए हो। क्षेत्र को देख के लिखना है, हो आप भी कविता लिखते हो, अनेक कवि आपके साथ होते हैं, सभी की कविता एक से क्यों नहीं होती। वो भाई ढोलक बजा रहा है, एक बजा रहा है, एक गा रहा है, मालूम सभी के सुर एक से क्यों नहीं होते। यह पहुंचना चाहिए। प्रदीप इसी तजारा के हैं, वो जहां पहुंच जाए लोग सम्मान करते हैं, अध्यक्ष जबकि यहीं के हैं तब भी उनने सम्मान किया। वो बच्ची लाल जी आए, वे राजस्थानी मालपुरा वाले आए, ये सारे जगत के लोग बैठे हुए हैं, एक सा व्यवहार क्यों नहीं होता। इस सिद्धांत को समझना चाहिए, और इस सिद्धांत को समझ लोगे ना, आप व्यवहार करने वाले को दोष नहीं दोगे। बस मैं अब चलता हूं आपके साथ, चंदा प्रभु से मिलना आपको। बसंत, आपके साथ 50 कभी आए, एक दिन ऐसा देखा है कि आपने कभी होकर कभी की प्रशंसा की, ऐसा क्यों किया आपने? कभी होकर के दूसरे कभी की प्रशंसा की, ये आपको करना पड़ी कि उसकी भक्ति थी कि उसकी योग्यता थी? आपने भरे मन से एक भिन्न कवि की प्रशंसा की, उस कवि में योग्यता थी कि आपको उस कवि प्रति भक्ति थी, कवि के प्रति भक्ति थी कि तुम्हारा रिश्तेदार था? जोर से बोलो, जोर से। माताओं सुनो ध्यान से, भाई क्या बोल रहा है। क्या बोले भैया? अच्छा मित्र, बिरादरी के हैं तब भी प्रशंसा नहीं कर पाएंगे,
भैया विश्वास मान, आप कितने भैया हो? अकेले ही हो? ओहो हो, आपके कोई है कि नहीं? आपके भी अकेले ही है? तुम ज्यादा अच्छे हो पिताजी से, बैठ जाओ। मित्र, एक इनके दो बेटे हैं, ठीक है, कोषाध्यक्ष जी के। अब दो बेटे होने के उपरांत भी यदि ये सत्य बोलने वाला आदमी होगा, कोई झूठ नहीं बोलता होगा, तो दोनों बेटों के प्रति एक कितनी बोले मैं एक सा प्रेम रखता हूँ, एक सा प्रेम नहीं है। ईमानदारी से बोल के बताइए आप। छोड़ गए ना आपको, बस तुम्हारी यही योग्यता है कि बच्चे तक नहीं रहते मेरे साथ। ओहो हो, ज्ञानी आज आपको भगवान चंद्रप्रभु स्वामी का ध्यान करना है, और चंद्रप्रभु के ध्यान के साथ साथ ये ध्यान करना कोषाध्यक्ष जी कि शांत बैठ के बहुत सारा विषय हम जीते रहते हैं और जान नहीं पाते, जीते रहते जान नहीं पाते। बसंत जी, इनको आज तक इनके बेटे बाहर चले गए तब भी इनको ये मालूम नहीं हो पाया अभी तक कि मेरा कौन से बेटे में राग ज्यादा है। नहीं है, ऐसा नहीं है, ये जान नहीं पा रहे। क्यों नहीं जान पा रहे हो? उसका प्रश्न ये है कि आपके तजारा के अध्यक्ष के घर में एक फटी चड्डी पड़ी हुई है। आपके तजारा के अध्यक्ष के घर में फटी चड्डी पड़ी हुई है, उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बसंत, आप उनके द्वारे से निकलना और कहना, अध्यक्ष जी मुझे अपनी गाड़ी साफ करना, वो चड्डी दे देना। फिर आप देखना ये अध्यक्ष बहाने बनाएगा। अभी उसको चड्डी की कोई आवश्यकता नहीं थी मालूम, वो जैसे आपने कहा वो चड्डी देना, मतलब आपने चड्डी की कीमत बढ़ा दी और बोल के चले जाना। मांगना बिल्कुल नहीं चाहिए, जो फटी पड़ी हुई थी जमीन पर ये उठा के रखे। बोले क्यों? अरे कैसे दे दो, अपने घर के पोंछे के काम में आएगी ना। ओहो हो, वस्तु की कीमत वस्तु नहीं बढ़ाती है, वस्तु कीमत दूसरा व्यक्ति बढ़ाता है। ओहो, कीमत बढ़ गई फटी चड्डी की। ओहो हो, मांगने वाले कीमत बढ़ा देते हैं, मांगने वाले कीमत बढ़ाते हैं, मांगने वाले कीमत बढ़ाते हैं फटी चड्डी की। जब फटी चड्डी कीमत बढ़ सकती है तो बसंत तेरी कीमत क्यों नहीं बढ़ेगी? मांगने वाले कीमत बढ़ा देते हैं। आज कोषाध्यक्ष को ध्यान करना है इस बात का कि मेरा कौन से बेटे में राग अधिक है। हे मित्र, जब इतना ज्ञान हो चुका है, ये मुखलर फेंक दे। राग कष्ट का ही कारण है ज्ञानी, पता होना चाहिए तुझे। और ज्ञानी, राग हटाओ कष्ट मिटाओ। राग हटाओ, अपनी डायरी पर लिख लेना आज, और लिख करके अच्छा बैनर बनवाना, और जहां आप बैठते हो वहां टांग के रखना, रसोई घर में सबसे पहले लगाना। माताओं, ये आपको बहुत बड़ा सूत्र मिल गया आज, आप तो एक अच्छा सुंदर बैनर बनवाना और रसोई घर में लगवा के टांग के रखना। बोले क्यों? इसलिए कि जब तुम्हारा स्वामी देखे क्या बना क्या नहीं बना, तो धीरे से वो बैनर पढ़ के भोजन करो। ये पहले बैनर पढ़ो फिर भोजन करो, ठीक है? जहां जहां आवश्यक वस्तुएं हों वहां सब जगह टांग के रखना बसंत। बोले क्या? और एक कविता बनाना आपको, उसमें बार बार आना चाहिए, राग हटाओ कष्ट मिटाओ, ठीक है? हाँ, जल्दी बना लेना, राग हटाओ कष्ट मिटाओ। और फिर जहां जहां तुम्हारे राग के स्थान बने हों वहां धीरे से मित्र
राग हटाओ। सबसे पहले कोषाध्यक्ष को अपनी पत्नी के सिर पर लिख के रखना पड़ेगा, उसकी पत्नी को ज्ञानी देख राग हटाओ कष्ट मिटाओ। श्री राम को जब तक राग रहा जानकी के प्रति, राम जैसे महापुरुष को भी मित्र समुद्र पार करना पड़ गया। राम जैसे महापुरुष को आंखों में पानी से पानी गिराना पड़ गया, पत्ते पत्ते से पूछना पड़ गया, आपने जानकी को देखा क्या, जानकी को देखा क्या। मित्र जब तक राग रहा तो पानी गिरता रहा, राग हटा कष्ट मिटा। तो भगवान कुंद कुंद शोमी ने लिखा, रत्तो बंदरी कम्बम मुंचित जीवो विराग संपत्तो ऐसो झिणो उपदेशो तम्मा कम्मेसु मारज। हे ज्ञानी, रत्तो बंदरी कम्बम, बंद का कारण राग है, वस्तु नहीं है, वस्तु नहीं है, राग है। वस्तु तो वस्तु है, जो है सो है, बंद का कारण कौन है। जहां जहां राग है वहां नियम से बंद है, और जहां जहां बंद वहां संसार है। आइए मित्र, तो आपने कबीर की प्रशंसा की, उसकी योग्यता से की कि बिरादरी से की, भैया की भाषा बोल रहा हूं, कि बिरादरी से की कि तुम्हारा रिश्तेदार था इसलिए की, कि तुमको डर लगता था इसलिए की। बसंत, यदि योग्यता से की गई है, सारे जगत को दूसरी कविता आपको बनाना है, दूसरी कविता बनाना है। हम चाहते कि हमारे जितने कवि देश में हैं, है मित्र, ताली बजाने वाले कवि बहुत मिल जाएंगे, मोह का ताली तोड़ने वाले कवि होना चाहिए। आपको सुनने के बाद घर में किसी से जाके चिपके ना, घर से दूर होने के भाव आए, उसका नाम काव्य है। संबंधवद्य स्वामी ने काव्य लिखे। तो भगवान पुष्दन भूतपुरी स्वामी ने लिखे, धर्षण स्वामी ने लिखे। मित्र, संबंधवद्य स्वामी का काव्य कला विश्व की विख्यात कला है। जिन मुर्जों में आचार्य संबंधवद्य स्वामी ने कविताएं लिखी हैं, सारा विश्व इस बात को कहता है, स्त्री विद्या में कोई प्रधान आचार्य हैं, उनका नाम है आचार्य संबंधवद्य स्वामी। कभी देखना अपनी आंखों से स्त्री विद्या ग्रंथ। तो मित्र, क्या लिखना है आपको? क्यों तुम छोटे को देख करके अहम में डूबे हो? तुम क्यों बड़े को देख के हीन हो रहे हो? क्यों छोटे को देख के अहंकार में डूब रहे हो? क्यों तुम बड़े को देख के हीनता में जा रहे हो? छोटा बड़ा व्यक्ति की देन नहीं है, योग्यता की देन है। घर के चार सदस्य एक से नहीं हो रहे हैं, घर के चार सदस्य एक से नहीं हो रहे हैं। ज्ञानी, एक भाई करोड़ों पर खेल रहा है, एक भाई रोड पर घूम रहा है, ये भेद किसने किया? माँ ने किया कि पिता ने किया? ये भेद किसने किया है? सोनू मोनू, कौन छोटा कौन बड़ा? बड़े भैया, तुम कितने काम कर लो, पर बच्ची लाल के बाद नाम तो बड़े भैया का आता है। वो मन में भाव आ जाए कि जो देखो वो बड़े भाई को बुलाता, मुझे क्यों नहीं बुलाता? मित्र, बड़े भाई पर रोष मत करना। किसने कहा था तुम बाद में आए, तुम पहले आए थे? ये किसने कहा तुम बाद में आओ? किसने कहा आप बाद में आओ, पहले आ जाते? अब कोई मेरे गुरुजी से बोले, वो गुरुजी आपने अमुक महाराज जी को बड़ा बना दिया, हमें छोटा बनाया। अरे भाई, किसने कहा तुमको छोटा बनाया? तुम पहले दीक्षा दे क्यों नहीं बन के आए?
दीक्षा पहले हो भी सकती है मित्र, तुमको बड़ा बना ही जा सकता है। गुरु तुम्हारे संस्कार दाता हो सकते हैं, गुरु तुम्हारे बुद्धि दाता नहीं हो सकते, पुण्य दाता नहीं हो सकते हैं, गुणस्थान दाता नहीं हो सकते हैं। इसलिए पूजा मित्र किसकी हो रही है? व्यक्ति की योग्यता की, योग्यता की। जिस देश में योग्यता की पूजा होती है उसका नियम से विकास होगा, और जिसमें व्यक्ति की पूजा होती है उसका विनाश नियम से होगा। घर में भी योग्यता का ध्यान रखना चाहिए, ओहो देश में योग्यता का ध्यान रखना चाहिए, यति संघों में भी योग्यता का ध्यान रखना चाहिए। आरक्षण दे करके उन्हें खुशी करो, परंतु विवेकशील कार हाथ में मत दो। आरक्षण से देश नहीं चलता, देश योग्यता से चलता है। किसी खुश करने के लिए आप आरक्षण देते रहो, लेकिन बौद्धिक काम उन्हीं से होता है जहां योग्यता होती है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो भगवान चंदपुरु स्वामी की यहां पूजा क्यों होती है? चंद्रप्रभु स्वामी की प्रतिमा देश में कई जगह है, बहुत विशाल विशाल है, यहां पर भी है, अभी मैं दर्शन करके आया हूं, लेकिन लोग घूम फिर करके आते कहां हैं? तो छोटे से चंद्रप्रभु स्वामी के पास। इसलिए मित्र अब गहना नहीं देखना चाहिए, योग्यता देखना चाहिए। वे लोग परेशान होंगे विश्व में, ऊंचाई शरीर की देखते हैं मित्र, जिन शासन कहता है मां शरीर की ऊंचाई मत देखिए, गुणों की ऊंचाई देखना चाहिए। कौन भोला जैसा मोटा, कौन मेरे मित्र सारस्वत जैसा पतला, और कौन मित्र ठिनगा, ये मत देखो, बुद्धि देखना चाहिए, योग्यताएं देखना चाहिए, योग्यताएं देखना चाहिए। संसार में आपको विशेष होना है तो विशेष बनने की कोशिश मत करो, योग्यता बढ़ाने की कोशिश करो। जो अपनी योग्यता बढ़ाना नहीं चाहते हैं, ओहो वो सम्मान विशेष चाहिए। पंकज सुन रहा ना बेटा, योग्यता बढ़ाना चाहिए, और योग्यता अनेक प्रकार की है, योग्यता अनेक प्रकार की है। चारित्र की योग्यता, ज्ञान की योग्यता, दर्शन की योग्यता, परमार्थ दृष्टि, व्यवहार से आप लोग की योग्यता। इसलिए बसंत भैया बैठ जा, वो पहले ही आज खड़ा हो गया, बोले क्यों धारू बेड़ा में एक घंटे खड़ा किया बेचारे को प्रदुमन, लेकिन खड़े होना सीख लो, खड़े होना सीख लो। क्यों? जितने तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, मात्र 3 तीर्थंकर पद्मासन से मोक्ष गए हैं, बाकी संपूर्ण तीर्थंकर कालेश्वर मुद्रा मोक्ष गए। खड़े होने से प्रमाद भी नहीं आता। यदि नींद आ रही हो लड्डू और तुम पाठ कर रहे हो, बैठोगे तो सो जाओगे, खड़े होके पाठ कर लो। श्यामाय कर रहे हो आप, बैठे बैठे सो जाओगे, सीधे लेट ही जाओगे, खड़े हो जाओ। नींद के झटके भी आएंगे ना तो सजग हो जाओगे। उत्तो उत्थित शरीर से भी खड़े हो और भावों से भी खड़े हो, पर रोने वाले के पास नहीं जाना। मैंने बसंत आज तक खोज की है और जारी है, जितने रो रो के दिखाते हुए सब हत्यारे होते हैं। जो जो रोने वाले सब हत्यारे लोग होते हैं। अब वो मालूम तुम्हारा कोसा यूं कर रहा है, एक मिनट में यूं करवाऊं मैं इससे। आप जितने रोने वाले होते हैं ज्ञानियों, समझो माताओं, आपके पास पता नहीं कितना सागर पानी का भरा हुआ है, आपके आंखों के आंसुओं ने सबके संयम तोड़ दिए। ओहो हो, जितने रोने वाले होते हैं सब हत्यारे होते हैं। कोषाध्यक्ष खड़ा हो जा भाई, जितने रोने वाले होते सब हत्यारे होते हैं। सुनाई पड़ रहा है क्या है? समझ में आएगा, पहले आप कान खोलो,
हाँ अब देखो मेरी तरफ भैया, मैं ये कह रहा हूँ जितने रोने वाले सब हत्यारे होते हैं। अब गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है ना? आइए, मैं प्रसन्न हूँ, आप भी प्रसन्न हो, अभी हो कि नहीं? ठीक, प्रवचन प्रारंभ होते ही हमने बसंत से प्रश्न किया था, किसी घर में किसी का मृत्यु हो जाए उसके द्वारे पर तुम कैसे जाओगे? हंस के जाओगे कि चेहरा बनाओगे? बनाओगे ना, उदास होगे ना? ओहो, तुम्हारी जेब भरी थी पैसों से, बड़े आनंद के साथ थे। भी जितने रो रहे थे उन्हें देखते ही तुम्हारे मन में एकदम भाव उदास हो गया। वो इनके सामने हम हंस भी नहीं सकते हैं क्योंकि बेचारे रो रहे हैं, दुखी लोग हैं। उन दुखियों को देख करके तुम सुखी जैसे आदमी को भी चेहरा बनाना पड़ गया। तुम्हारी प्रसन्नता की हत्या हुई कि नहीं हुई, बोलिए अब। बोल मित, बोल है? हुई ना? अभी जैन दर्शन को समझना पड़ेगा। जगत के लोग तलवार ले किसी गले को उतारने को हिंसा बोलते हैं, जैन दर्शन कहता है कि हिंसा के भाव करना भी हिंसा ही है। और इतना ही नहीं, यदि कोषाध्यक्ष ने अपनी पत्नी को डांटा है, अपनी पत्नी को है? नहीं, आजकल नहीं डांटा जा सकता। इधर देखो, वो तो राम चले गए, नहीं तो राम की हालत खराब हो जाती। आज के राम होते ना तो सीता को जंगल नहीं भेज पाते। ओहो, नहीं भेज पाते। तुम जैसा इतना लंबा आदमी कितना घबरा के खड़ा हुआ है, मतलब पत्नी का नाम सुनते बेचारा कहता नहीं डांट सकते। कोई बात नहीं, नहीं डांट सकते हो, लेकिन डांटने के भाव तो आते हैं। मित्र, तुम नहीं डांट रहे हो तो जेल के चक्कर में नहीं डांट पा रहे हो, लेकिन विषय ये है कोषाध्यक्ष जी, यदि आपको मन में भी भाव आ रहे हैं तो आपने अपनी विशुद्धि की हत्या की कि नहीं की? हत्यारे कहलाए कि नहीं कहलाए? बहुत बढ़िया, कम से कम कितना अच्छा आदमी स्वीकार तो कर रहा है। हे मित्र, तो जो व्यक्ति रो रहा था, ईमानदारी भाई बैठना नहीं, मोबाइल उठा रहे थे, तेरी हत्या हुई कि नहीं हुई? इतनी शांति से तुम प्रवचन सुन रहे थे, गुरुजी की वाणी सुन रहे थे, एक मोबाइल की आवाज ने हत्या की कि नहीं? इसलिए हम लोग मोबाइल नहीं रखते। मोबाइल रखने वाला कभी कभी सत्य नहीं बोल पाता। कितने बड़े त्यागी हो, बैठा है कमरे में गुरु के पास, कहता मैं बाहर हूं, बोले? ओहो, एक व्यक्ति मालूम कोषाध्यक्ष जी, मैं शिवपुरी मध्य प्रदेश में बिहार कर रहा था, रास्ते में एक बालक चल रहा था, उसका अचानक मोबाइल आ गया, तो मेरे बगल में चलते चलते क्या बोलता, मैं दिल्ली में हूं। हमने कि देख, यानी तो मेरे बगल में चल रहा और कह रहा दिल्ली में हूं। ओहो, हे मोबाइल की डिबिया, तूने सत्य का नाश कर दिया और संवेदना शून्य कर दी। एक समय था बसंत भैया, जब माँ का पत्र आता था, पिता का पत्र आता था, बेटे का पत्र आए तो 10 बार आदमी पढ़ते हैं। बैठ गए भाई? ओहो, 10 बार पढ़ते हैं। मालूम भोजन करते करते बोले पत्र में क्या लिखा, जिज्ञासा रहती है। आल समाचार भी आज दोगे ना, हेलो, संवेदना समाप्त हो गई, चिट्ठी पत्ती सब समाप्त हो गई। आइए भैया, रोने वाले हत्यारे होते हैं, स्वीकार है क्या? जोर से कहो।
तो हमारे आशय समझना चाहिए ना आपको। तो कौशाध्यक्ष जी, विश्वास मानना, ये साध्वी जी आई ना, ये सुबह कह रही थी महाराज जी हमको तिजारा के चंद्रप्रभु स्वामी के दर्शन के भाव थे, तो दिल्ली से चल के यहाँ तक आए। सुनना, इतने मुरझाज हैं, जब 12 में आए थे ना तब ब्रह्मचारी थे, ये बहुत सारे ऐसे मुरझाज भी हैं जिनने पहली बार चंद्रप्रभु के दर्शन किए। रहस्य क्या है? दर्शन करके सभी चले जाते हैं, वो रहस्य नहीं है। दर्शन की शैली बदल जाएगी आज से आपकी। हम भगवान की प्रतिमा को देखने नहीं आते। प्रतिमा तो जयपुर में बहुत गढ़ी जाती है, प्रतिमा के दर्शन नहीं है, ये प्रतिमावान के दर्शन है। कौशाध्यक्ष जी, आपके पिता भी थे क्या? थे। अच्छा, आपके पिता थे कि हैं? थे। तो तस्वीर वगैरह, फोटो वगैरह है क्या घर में लगी है? किन की? ये पिताजी नहीं है क्या? जब तक ये जीवन जिएगा ना भाई, आज का प्रवचन भूलेगा नहीं। हे मित्र, एक ये ज्ञानी आ गया। भैया देख, कौशाध्यक्ष जी बस मेरी तरफ निहारो, पिता नहीं होते तो तस्वीर क्यों? पिता होते तो तस्वीर क्यों? पिता होते तो दीवार पर तस्वीर क्यों? पिता नहीं होते तो तस्वीर क्यों? उत्तर दो। है? इतना ज्ञान नहीं है तो मालूम, ये जगत को मालूम होना चाहिए। अध्यक्ष जी, जगत को मालूम होना चाहिए इन मुनियों के नंगे शरीर को देख करके इन्हें पागल ना समझा जाए। निर्वस्त्र हैं, बुद्धि विहीन नहीं है। मित्र, तन नंगा है, बुद्धि नंगी नहीं होती है। ओह, इसलिए कौशाध्यक्ष जी, तस्वीर न होती तो पिता को तुम बता नहीं पाते, पिता न होते तो तस्वीर लगा नहीं पाते, चंदा प्रभु न होते तो मूर्ति न होती, मूर्ति न होती आज तो चंदा प्रभु बता नहीं पाते। बराबर बराबर। रोने वाला हत्यारा होता है। ओहो हो, स्वीकार कर लिया। आपको मालूम मैं भूतों को बुला लिया, तुम तो जिंदा भूत हो। ओहो हो, खुश तक जी ध्यान दो। रोने वाला क्या बोला? माता, रोने वाला, जोर से बोलिए, फिर से बोलना और बोलना। नियम ले लो आज से, रोएंगे नहीं कभी। रोने वाले हत्यारे होते हैं। मैंने मालूम द्वासांग श्रुत में इस सूत्र खोज लिया है, रोने वाले हत्यारे होते हैं। अध्यक्ष, अरे कौशाध्यक्ष रुको। ओहो, क्यों बरमाला जल्दी पड़ गई थी क्या? सम्मेश करके बगल में गिरिडीह अपना जिला है, सुना कभी ना? तो गिरिडीह में मुझे भवन में रोका गया। अब नियोग एक था, उसी दिन उसमें शादी हो रही थी बगल में, और उनके यहाँ स्थान नहीं था। तो मालूम भाई, वो दूल्हा इतनी देर तक बेचारा खड़ा रहा कि कब वरमाला पड़ जाए, कब वरमाला पड़ जाए।
हमने की पागल अज्ञानी, ऐसे जयमाला के लिए खड़ा होता, माला फिरने के लिए खड़ा होता तो तेरी जयमाला हो जाती। तो समझ को साध्यक, तू बरमाला के लिए कैसे खड़ा रहा एक घंटे तक खड़ा रहा यहाँ पर। क्या हुआ? याद नहीं है? कोई बात नहीं है, जिनकी हो रही है उनकी देख के आ जाना, पर अभी मैं बिठालता हूं। पर ये है रोने वाला, ये अच्छे से रट जाना चाहिए, रोने वाला। सुनिए, हे मित्र, रोने वाला तेरा क्यों है? न सुख देख पा रहा है, न सुख दे पा रहा है। वो गुलाब का पुष्प श्रेष्ठ है, शम खिला है, जो देखता है उसका चित्त खिल जाता है। घर में सुंदर पुष्प क्यों लगाए जाते हैं? सुंदर सीनरी बना के क्यों रखी जाती है? आप विश्वास मानिए, भले वो जड़ हैं सीनरियां, लेकिन वे भी तुम्हारे चित्त को प्रसन्न कर रहे हैं। जब घर के बैल बूटे, घर के कंगूरे तुम्हारे लिए खुशी प्रदान करते हैं, तो तीन लोक के नाथ भगवान चंद्रप्रभु स्वामी तुम्हारे भीतर के दुखों को हर लेते हैं। रोने वाले, हाँ भूल नहीं जाना। अब जो रो रहा था, सुनिए ध्यान से, जब मैं यहां से बोलता हूं, वो साध्वी जी भजन गा रहे थे, याद है, बसंत कविता सुना रहा था, तो तुम लोग सब अलग अलग चेहरे दिख रहे थे मुझे। यहाँ प्रवचन सुन रहे हो, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, कभी आप यूं करते हो, कभी ताली बजाने लगते हो, ये सब क्यों हो रहा है? शब्द ब्रह्म भी होता है, शब्द विष भी होता है। शब्द ब्रह्म है, शब्द विष है। जो शब्द मोह के पर्दे हटा दे, चिद पिंड ज्ञान घन भगवान आत्मा का बोध करा दे, वो शब्द ब्रह्म बन जाता है। जो शब्द सुनते ही मूर्छा खा के हृदय अटैक हो जाए, मित्र प्राण निकल जाए, वो शब्द हृदय घात करा दिए, वो शब्द मित्र दो देवों ने आकर के राम लक्ष्मण की प्रीति का एक दृश्य देखना चाह रहे थे। प्रदीप, अपने जीवन में कभी ऐसा उत्साह भी मत होना, ऐसा खिलवाड़ भी मत करना किसी की प्रीति के साथ। जय श्री देव आए, उन्होंने देखा राम लक्ष्मण की प्रीति। पद्म पुराण जी में रघुवंशी स्वामी जी ने लिखा, सुंदर लक्ष्मण श्री राम लक्ष्मण से आके बोल दिया, श्री राम का देवशान हो गया है। इतना शब्द सुनते ही लक्ष्मण ने प्राण छोड़ दिए। ये मजाक किस बात का, ये हंसी किस बात की? हे मित्र, मत करना किसी से हंसी मजाक। वो शब्द सुना था, देवों ने लक्ष्मण के ऊपर चक्र नहीं चलाया, देवों ने लक्ष्मण को अस्त्र नहीं चलाया, मात इतना वचन बोल दिया कि श्री राम का अवसान हो गया। इतना शब्द सुनते ही लक्ष्मण के प्राण प्रखर उड़ गए। हे मित्र, ये तुम अहिंसक हो, भगवान तीर्थंकर वरद्वान स्वामी की अहिंसा से परिचित हो, तो फिर को साधक जी, यदि तुम्हारे घर में नौकर भी क्यों ना हो, यदि मेरी बात सुन रहे हो आज, उससे भी अशुभ मत बोलना, अशुभ मत बोलना, अशुभ मत बोलना। पुरुष किसी का नौकर नहीं होता है, उसके पुण्य की छीनता नौकर है।
प्रदीप कोई किसी का नौकर नहीं होता। तुम्हारे कारखाने में हजारों नौकर काम कर रहे हो, हे मित्र, तब भी यही देखना, यही देखना, नियोग मेरा हो सकता है, संयोग मेरा हो सकता है, इन विचारों के पुण्य छीन होते तो हमारे सामने हाथ जोड़ के कौन खड़ा होता। असमर्थ लोगों को हाथ जोड़ना पड़ते हैं, समर्थ लोगों हाथ ऊपर रहते हैं। असमर्थ लोगों को हाथ जोड़ना पड़ते हैं, असमर्थ लोगों को हाथ जोड़ना पड़ते हैं, समर्थवान हाथ नहीं जोड़ता। क्या हो गया आप सबको? बसन, ये सन्नाटा। असमर्थ लोगों को हाथ जोड़ना पड़ते हैं। हम भी भगवान के दर्शन करने आए हैं, असमर्थ। आप 18 दोषों से मुक्त हो चुके हो, समर्थवान हो, इसलिए मैं आपको सिर टेकता हूं। बाकी क्या आपको देखो, मैं दुनिया में किसी को हाथ नहीं जोड़ता। विश्व का कितने बड़े देवी देवता बना रहे, मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, मैं किसी को नमस्कार नहीं करता, प्रतिज्ञा मेरी। भय भी नहीं लगता, डर भी नहीं लगता, शमशान में भी सो के आ जाता, मर घटों पे सोया हूं मैं, लेकिन डर नहीं लगा। बोला एक दिन तो बेंतर सामने खड़ा हो गया, मैं देखता रहा क्या करता है। कोषाध्यक जी, उसने से हाथ जोड़े, आवर्त किए, श्रुणति के प्रणाम किया, चला गया। मैंने कहा नहीं, मैं अरहंत भक्त हूं, देवाधेव का भक्त हूं, अन्य किसी का भक्त नहीं। जिसके अंदर सम्यक्त ही ना हो, प्राणहीन मुर्दे की कोई कीमत नहीं है, ऐसे सम्यक्तहीन जीवित की कोई कीमत नहीं है। बालक सम्य पंकज समझ रहा है बेटा, ये सिर झुकने वाला नहीं है। आस्था तुम्हारी प्रचंड होना चाहिए, श्रद्धा प्रचंड होना चाहिए। जिनके सम्यक नहीं है बेहिर होते हैं। संभल के सुनना भाई, जग गया, जग गया। मित्र, गाते रहो गाते रहो, पड़े रहो दरबार में, धका धनी के खाओ, एक दिन ऐसा सुम धनी बन जाओ, भगवान चंद्रप्रभु की स्तुति करते रहो। आप को सद्यक्ष मित्र सुन, रोने वाले हत्यारे होते। हम खुश होके आए थे, प्रसन्न होके आए थे, खुश आनंद के साथ थे। कोई रोने वाला सामने खड़ा हो जाए, आपके हाथ में मिठाई का डिब्बा हो और सामने कोई बच्चा रोते मिल जाए, तो तुमको दया आना चाहिए। उसका हिस्सा दोगे, दोगे नहीं दोगे? लेकिन सोचिए, रोने वाले ने तुम्हारी मिठाई छीन ली। अंदर जाके झांक के पकड़ो, मोहित भैया, रोने वाले ने मिठाई नहीं छीनी, खुशी छीनी। आप मिठाई खाते रहते, कोई मुस्कुरा के निकल जाता, उसे तो मिठाई नहीं देते, विश्वास बनी देते नहीं देते ना, बहुत बढ़िया। रोने वाले मिठाई छीन लेते हैं, मिठाई नहीं छीनी, खुशियां छीन ली हैं। हे मित्र,
जब खिला पुष्प होता है उसे देखने पर प्रसन्नता आती है, खिला कोई पुरुष दिख जाए उसे देखकर मुस्कुराहट आती है, और कोई रोते रोते दिख जाए तो शम के चेहरे उदास होने लगते हैं। इसलिए मित्र, मैं ऐसे आदमी का चेहरा ही नहीं देखता हूँ, मैं ऐसे आदमी का चेहरा देखना पसंद नहीं करता जो 24 घंटे प्रशांत रूपाए दिगंबराए देवाधिदेवाए नमोजिनाए। प्रशांत रूपाए दिगंबराए देवाधिदेवाए नमोजिनाए, ऐसे भी इतना के जिनेश्वर जहां खिन्नता ही नहीं, प्रसन्नता ही प्रसन्नता, प्रसन्नता ही प्रसन्नता। उसको सद्बुद्धि मित्र विश्वासमान, अरबों खरबों की संपत्ति बहुत कम है, पूरे देश की अरबों खरबों की संपत्ति भगवान चंदापुर ने सुरक्षित की है। आपको मालूम क्या, आपको मालूम क्या, क्यों रह रहते जा रहा मैं फिर? चलो बहुत अच्छी बात है, अब तुम ठीक स्थान पे पहुंच रहे हो जहां जन्म हो गया योग्यता, योग्यता है इसमें, फिर तुम फंस गए। हे मित्र, किसी मिलेच्छ खंड में जन्मे होते, कोई ऐसे कुल में जन्मे होते जहां सुबह से मछली के भाग करते मिलते, तूने पूर्व में ऐसा पुण्य की योग्यता लेके आया है कि जैन कुल में जन्मा है और भगवान चंद्र प्रभु के दर्शन करता सुबह से। अब बोलो योग्यता से आएगी ऐसे ही आ गए, और दर्शन करने आते भी कि नहीं आते हो, कि दर्शन देने आते हो, नहीं कि गोलक खोलने आते हो? अच्छा मित्र, गोलक बाद में खोलना, पहले भगवान के दर्शन करना, ठीक है? ओहो, अच्छा बैठ जाओ, कोई बात नहीं। कानों में ठंडी नहीं लग रही क्या? पूरे गर्म हो गए कान इनके भैया के। ओहो देखो, बैठते ही फिर तो बांधने लगे तुम। ओह हे मित्र, रोने वाले यदि अपने आप को हत्यारा घोषित ना करवाना हो तो आज से नियम कर लो, कितनी पीड़ा आ जाए वकील साहब, लेकिन आंखों में आंसू नहीं टपकाना। मेरे मित्र, ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा कि जो रो रहा है स्वयं दुखी है, असाता वेदनी कर्म का आश्रय कर रहा है, और दूसरा दुखी उसे देख करके हो रहा है, उसको असाता का आश्रय करा रहा है, ये डबल हिंसा कर रहा है। हे मित्र, तुम्हें दुखी दिखे कोई जीव उनको प्रसन्न करो, प्रसन्न रहो, दूसरे के दुख भी बांटने जाओ तो दुखी होके मत बांटो, प्रसन्न होके बांटो। मुर्दे पर भी फूल फेंके जाते हैं, वे फूल मुरझाते नहीं है। मुर्दे के ऊपर भी फूल फेंके जाते हैं, फूल मुरझा के नहीं फेंके जाते हैं, अच्छे फेंके जाते हैं। हे मित्र, जिनके हृदय में उमंग मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है, जिनके उत्साह मुर्दे हो चुके हैं, समाज में उत्साह भंग कर बैठे हैं, धर्म में उत्साह भंग कर बैठे हैं, ऐसे मुर्दों को तो मुस्कुरा के बात करो, वे खिल जाए। खिल जाए, बोला? मुर्दे की भाषा नहीं बोलना चाहिए, बोला? मुर्दे की भाषा नहीं बोलना चाहिए, मुर्दे की भाषा नहीं बोलना चाहिए। जो मोक्ष मार्ग में उत्साह भीन भाषा है वो मुर्दे की भाषा है, रत्नत्रय धर्म से दूर होने की भाषा है ये मुर्दे की भाषा है। कोई व्यक्ति कहता मैं सुबह से अब से करना चाहता हूँ भगवान चंद्रपुर स्वामी का, और भोले ने कहा ठंडी लग जाएगी, निमोनिया हो जाएगा तुझे, कहाँ तू ठिठुरने जा रहा है अब? तूने मुर्दे की भाषा बोल दी है, उसकी भक्ति को तुमने मार दिया, तो उसकी भक्ति मुर्दा बना दिया। कोई व्यक्ति अब हैगड़े को बैराग हो गया, वो मुनि बनने जा रहा था,
भोले से मिल गया, बोला कहते भाई जैसे मेरे तो वैसे दूर है, कहाँ तुम नंगे होने जा रहे हो? ओ मित्र मुर्दे की भाषा है। उस साय भरनासी को संगीतकार भैया सुना कि नहीं, आपके भजन लोग क्यों सुनना चाहते हैं? मुर्दे के भजन गाओगे सब भग जाएंगे, एक नहीं सुनेगा। ये बसन से पूछना, इसकी कौन कब तक सुनना चाहेगा? मुर्दी भाषा बोलेगा सब भग जाएंगे। ये जान करके शब्दों में उमंग भरना चाहते हैं जिससे मुर्दे जाग जाएं। हे मित्र ऐसी उपदेश वही होता है जिसमें बैराग के प्राण निकल रहे हो, उन्हें बैराग के प्राण भर जाए, मुर्दे उठ जाए। मुर्दे जाग जाए, ओहो उत्साह शक्ति भरो, उत्साह शक्ति भरो, उत्साह शक्ति भरो। योग्यता पर विचार करो, उत्साह शक्ति भरो, योग्यता पर विचार करो। घर में एक जैसे चार भाई एक साथ जीवन क्यों नहीं जी पा रहे हैं? अब बोलिए, घर में चार व्यक्ति, ये कितनी चार साध्वियां हैं, है? इनसे पूछना, सभी की क्षमता एक सी है? एक बड़ी, एक बीच की, एक छोटी और छोटी, ये किसने बना दिया? अब मन में भाव आ जाए, बोले ये बड़ी आगे बैठती है, मुझे पीछे बिठा देती है। अरे ऐसे भाव मत लाइए, बोले क्यों? योग्यता पर जाइए, योग्यता पर जाइए, योग्यता पर जाइए। और योग्यता पर जाओगे ना तो कर्तृत्व का विनाश होगा, ईर्ष्या का विनाश होगा, डाह का विनाश होगा, तो राग द्वेष का विनाश होगा। योग्यता को देखिए, और जिनके पास योग्यताएं हैं वे अपनी योग्यता का प्रदर्शन ना करके दर्शन दो, ये भी हत्या हो जाएगी। नहीं तुम यदि तुम्हारे पास सोनू मनु खाने को लड्डू है, हिस्सा करके खाइए, वो किसी को नहीं दे सकते हो, अपने कमरे में गुप्त रूप में खाइए, दिखा के खाओगे उसकी देखने वाले की हत्या करोगे। देखो तलवार नहीं चलाना, ये अहिंसा तो आपने सीख ली है, किसी हृदय को नहीं जलाना ये भी अहिंसा सीखना चाहिए। पुनः कहूँ, तलवार नहीं चलाना अहिंसा धर्म है, किसी के हृदय को नहीं जलाना अहिंसा धर्म है। एक लड्डू तुम्हारे पास है, तुम दिखा दिखा के खा रहे हो, कुछ लोग मालूम इतनी सी एक समझ गए, जो पीना नहीं चाहिए वो पी रहे, चाहे वो एक घंटे तक, वो एक घंटे तक रोड पे घूम रहा है, मतलब बेचारे का इतना मुख छोटा सा है कि एक तनक सी जरा सी अंदर चाय नहीं जा पा रही। बोले क्यों? जाती तो एक ग्रास का विषय था, एक बार में चली जाती, लेकिन जब तक दूसरे को जलाए नहीं तब तक हमारा हृदय मानेगा कैसे? भगवान महावीर स्वामी ने ये नहीं सिखाया जलो जलाओ, भगवान महावीर स्वामी ने नहीं सिखाया जलो और जलाओ, परमात्मा तीर्थंकर वर्धमान स्वामी ने कहा है जियो और जीने दो। ये लड्डू से मतलब नहीं हमारा, हर क्षेत्र में जागना। प्रदीप कहीं आपको आवश्यकता पड़े, कहीं बोली भी लगाई हो मित्र और शांति धारा करने जा रहे हो, कहीं बगल में अगल में कोई व्यक्ति दिख जाए ना, आओ भैया हाथ लगाओ, अपने पास है पुण्य बांटो, वैसे पापी नहीं बनना कि हमने बोली लिए तुम हजार हाथ ऐसे झटकार दिए, नहीं कभी नहीं प्रदुमन, कभी नहीं। दान दे रहे हो, अभिषेक पूजन कर रहे हो, मित्र आओ सब मिलके आओ, और कहीं तुम्हारे घर में मुर्दाज पधार जाए कभी किसी को भगाना मत। बोले क्यों? हे मित्र इन महायोगी के निमित्त से ये भव्य जीव तुम्हारे द्वारे आए हैं, तुम अभागे घर कौन आने वाला था, जिनके निमित्त से आए उन्हें आने दो। भाई तिजारा में जो भी लोग श्रावक श्रावक आते हैं, अध्यक्ष जी बड़े प्रेम से व्यवस्था बनाना,
किसी को कभी नहीं दुखित करना, वो सबको लिख के रखना। ये भगवान चंदा प्रभु स्वामी का क्षेत्र है और आपको मालूम है उसके नीचे चंद्रमा बना हुआ है। प्रश्न ये है, चंद्रमा को देख के कुछ सीखना चाहिए। यदि चंद्रमा की व्यवस्था, वो कहाँ गया वो भाई, कौन से भाटा वाला आया था, कह रहा था हमारे यहाँ से बिजली आती है, चला गया। ओहो, बड़ी दमदारी से बोला रावण भाटा, तुम बिजली भेज तो पैसे भी तो लेते हो। ओहो, ये रावण भाटा के हाथ में कहीं चंद्रमा का प्रकाश होता, ये लोग तो गरीबों के यहाँ प्रकाश ही नहीं जाने देते। ओहो, हे मित्र, जिन शासन में लिखा हुआ मुनि की वृत्ति चंद्रचर्या होती है, चंद्रमा जो है वो न गरीब को देखता है, न अमीर को देखता है, न मित्र त्यागी को देखता, त्यागी को देखता है, सभी के घर में बराबर प्रकाश देता है। ऐसे चंद्र प्रभु स्वामी का आशीर्वाद सारे विश्व को बराबर मिलता है। चंद्रमा जैसा जीवन जियो, ये चमत्कार है क्षेत्र का। बाकी चमत्कार मुझे मालूम नहीं है, ये चमत्कार है क्षेत्र का। सभी महाराज माताजी ध्यान दो, ये चमत्कार है क्षेत्र का कि तीर्थ क्षेत्र समाज से शून्य मिलते हैं। तजारा का चमत्कार है, समाज से हरा भरा क्षेत्र है, ये चमत्कार है। टीकमगढ़ के पास में बगल में आहरजी पपोरा जी है, प्रतिदिन सैकड़ों बच्चे अभिषेक करने जाते हैं। तीर्थ के बगल में नगरी का विशाल रूप होना, और यहाँ लगभग 200-300 घर समाज के हैं, और संपूर्ण नागरवासी प्रसन्न है, पूरे क्षेत्रवासी नहीं पूरे राजस्थान प्रसन्न है। महावीर जी तजारा के नाम पर जैनी भाई नहीं, पूरा राजस्थान प्रसन्न है, और राजस्थानी क्या पूरे देश प्रसन्न है। 380 घर लोग हैं जैनियों के। हाँ, तो मतलब ये मुस्कुराओ, सकल समाज से कहना कि मित्र दुकान बाद में खोलना, पहले चंद्र प्रभु के दर्शन करना। भगवान चंद्र प्रभु के दर्शन करो। क्यों? एक बुढ़िया की लुटिया ने अभिषेक कर दिया गोमटेश का, और तजारा की बुढ़िया ने पूरे देश को तजारा में बुला लिया। सोचो आप, यही चमत्कार है। आप मुनिराज को लेने गए, अभी साध्वी जी कह रही थी हमारी व्यवस्था बनाई, मित्र छोड़ मत देना, लेने गए ना, यही चमत्कार है। नहीं तो ट्रस्टी लोग सोचते हुए, तो हमारे यहाँ तो लोग आते ही रहते हैं महाराज माता जी। नहीं, भगवान चंदा प्रभु स्वामी को प्रणाम करो और यूं कहो, प्रभु कितने नगर ऐसे हैं जो तरस रहे हैं हमारे गांव में महाराज पधार जाएं, तुम ऐसे भगवान हो कि प्रभु के द्वारे पर अपने आप चले आते बिराजो। ओहो, रोने वाले उज्जैन ज्ञानी, रोने वाले जो प्रच्छन्न चेहरा बनाए, हर्ष में रोना बंद ही नहीं करे। तुम दो भाई हो ना, तो तुम छोटे के बड़े, मुझे पता है पैसा किसके पास ज्यादा है, है? ओहो, पर पिताजी ने तो हिस्सा बराबर दिया था ना, बराबर दिया था ना, ये अंतर क्यों आ गया? अब बोलो क्या? नहीं बोलो गुरुजी, पिताजी ने तो हिस्सा बराबर दिया था, पर योग्यताएं बराबर हमारी आपस की थी, बराबर। अब देखो सेठी जी, भैया सुनो, संपत्ति बराबर पिता बांट सकता है, पर संपत्ति बराबर बेटा रख पाए, ये पिता के हाथ का काम नहीं है, ये बेटे की योग्यता का काम है। सही है, सही है। आप बड़े धर्मात्मा जीव हो कि बड़े भाई की संपत्ति बड़े होने पर तू मुस्कुरा रहा है। अरे है किसके, अपने भाई की तो है, ठीक है ना।
नहीं तो भी रोता। बोले पिताजी चले गए, हमें कम दे गए हैं, ओहो हमें कम दे गए। कुछ ऐसे लोग हैं जिनने जीवन में कभी मुस्कुराना सीखा ही नहीं है, उनके भाग में रोना ही लिखा हुआ है, कितनी तुम दे दो। बोले हमारी तरफ कोई देखते ही नहीं है, तुम चेहरे ऐसा बनाए बैठे को देखे, ओहो हमें कोई देखते ही नहीं है। अरे देखते ही नहीं, देखते ही नहीं है, देखते नहीं। अरे सूर खिला कुमुदिनी बंद हो गई, सूर खिला और कुमुदिनी बंद हो गई। अब कुमुदिनी को देखे खिले कमल को देखूं, जब जब अच्छे काम हुए देश में राष्ट्र में विश्व में तुम मुरझा गए, तो तुम्हें कौन देखेगा। अरे सूर खिले तुम मुस्कुराओ कमल जैसा, तो दुनिया तुमको भी देखेगी। ओहो चेहरे बनाना, मसीह को चेहरा बना के बैठो। ओहो मुस्कुरा लो, यहाँ पर मुस्कुरा लो, चंदा पुरुष स्वामी का द्वार है, घर में तो मुझे मालूम तुम्हारा क्या होने वाला है। मालूम कुछ लोग तो ऐसे बनावटी हैं दुनिया में, ज्यादा पैसा वाला हो जाए, वीआईपी अधिकारी बन जाए, कोई बड़े आचार हो जाए, भी अपना सही जीवन नहीं जीते, असली जीवन जी नहीं पाते बेचारे। मन में मुस्कुराने की इच्छा भी हो ना तब भी चेहरा लटका के बैठेंगे। अरे मित्र साधना चेहरा बिगाड़ना नहीं कहती है, साधना कहती है आत्मा का आनंद लूटो, वो अंदर का आनंद आएगा तो चेहरा मुस्कुराएगा। मटका देखा, मटका जैन परंपरा में समन्वित स्वामी ने आपने मीमांसा ग्रंथ लिखा हुआ है, मालूम है आपको, उसके ऊपर अष्ट सहस्त्री टीका लिखी हुई है और संपूर्ण भारत में, जैन बांग में नहीं संपूर्ण भारत में सबसे कठिन न्याय का ग्रंथ है, उसका नाम है अष्ट सहस्त्री। हमारे दिगंबर श्वेतंबर स्थानक मंदिर मारे कितने भी होंगे, न्याय पढ़ना है, न्याय का निष्णात बनना है, अध्यात्म पढ़ना तो समय सार का स्वाध्याय करना ही पड़ेगा, और न्याय समझना तो अष्ट सहस्त्री का अध्ययन करना ही पड़ेगा। अष्ट सहस्त्री नहीं समझे तुम कुछ नहीं समझ पाओगे। सेठी जी सेठी हो, कासलीवाल जी, मित्र कासलीवाल जी, आपके उज्जैन में गर्मी में विहार कर रहा था, वहां मार्ग में लिखा था प्याऊ, ठीक है, और रखे थे दो मटके, किसके, मिट्टी के, दो मिट्टी के मटके जो रखे हुए थे पानी से लबालब भरे हुए थे, तो अलग से दिख रहे थे। सभी माताओं को मालूम है जो मटका खाली हो जाए सूख जाए तो आप दूर से बता सकते हैं कि इसे खाली है कि नहीं, बता सकते हो क्या वो भरे मटके को। अच्छा देखो ये माताएं भी जानती इस बात को, बोले गुरुजी भरा मटका होगा अलग से चमकता है और खाली रूखा हो जाता है, बराबर ऐसे रूखा सूखा मटका वही होता है जो खाली होता है। मित्र भरा मटका भी बाहर में आर्द्रता दिखाता है, जिसके भीतर आनंद भरा है उनके चेहरे मुस्कुराते हैं, जो आनंद से रूखे हैं बेचारे रोते रह जाते हैं। प्यासा आदमी कहाँ जाएगा, प्यासा आदमी कहाँ जाएगा रूखे मटके के पास कि भरे मटके के पास। इसलिए मित्र तिजारा में लोग इसलिए आते हैं, भरे मटकलश के पास आते हैं, सूखे मटके के पास नहीं जाते। इसलिए अपने आप में बालक सुन रहा ना बेटा, सुन रहे हो ना क्या है? तिजारा में इनने आपको क्यों बुलाया, इस विद्या से तुम भरे ना होते तुमको बुलाते क्या ये? बोलो बेटा सबकी कीमत नहीं होती है, कीमत भरे की होती है। किसकी कीमत, भरे कीमत होती है। अंतिम शब्द सुनना, ये राजस्थान है ना यहाँ मटके मटके बहुत चलते हैं, जब कुएं से पानी भर के कोई माल ले आ रही हो
वो ये कहीं आपका दैत्य बाहर जा रहा हो, वो सामने दिख जाए तो क्या करता है? फिर उस मटके में पत्थर छोड़ेगा, धीरे से जेब से सिक्के निकाल के उसमें छोड़ देता, किस में भरे मटके में, देखा आपने? और यदि खाली मटका दिख जाए और कोई तीर्थ वंदना को जा रहा था तो क्या बोलेगा? ओहो अशुभ हो गया, भरे को दुनिया भरती है, खाली को कोई नहीं देखता है। ओहो हो हो, बैठ जा ज्ञानी, भरे को दुनिया भरती है। पड़ी ये सुब्रत सागर भी तुझे क्यों बुलाते रहते? तुम भरे हो किसी गुण से, इसलिए बुलाते हैं। कोई किसी का नहीं होता है, कोई किसी का, भूल मत कर लेना जीवन में। ओह प्रमोद क्यों बैठे यहाँ पर? आदिनाथ बेटा समझ, ये भूल कर मत लेना जीवन में। कोई किसी का होता नहीं है, कोई किसी का होता नहीं है। एक कोषाध्यक्ष है ना, विश्वास मनो अपनी पत्नी का भी नहीं है। ओ हो हो, भले इसके घर में आज झगड़ा हो जाए लेकिन मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, वो पत्नियां पागल हैं जो अपना मानती पति को। कोई किसी का होता नहीं है, अपने स्वार्थों का दुनिया होती है, बराबर। ओहो तो तुम भी पागल मत हो कि मरे जा रहे घर में कमा कमा करके। कोई किसी का होता नहीं है, तुम कमाना जानता है इसलिए कोई छोड़ता नहीं। दूध देने वाली गाय को कौन छोड़ता है? ओहो गाय भक्त बे हैं, दूध ना भी दे तब भी गाय की सेवा करें, बेगौ भक्त हैं। बैठ जा ज्ञानी, आपका समय हो गया। ओहो हो प्रदुमन किसी के हो? प्रदुमन किसी के हो? है मित्र कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं है। आप मेरे नहीं हो, आपको मेरे पास शांति मिलती, अपनी शांति के लिए आते, मेरे लिए नहीं आते हो। आश्चर्य लग रहा आपको? नहीं लग रहा ना, सत्य है। बैठ जाओ तो स्वीकार कर लो, कोई किसी का नहीं होता है। मोहित भाई, हर दुनिया में व्यक्ति अपना अन्न लूटना चाहता है, किसी को गा के आता है, किसी को बजा के आता है, किसी को रो के आता है, किसी को मुस्कुरा के आता है, किसी को प्रभु के दर्शन करने के आता है, किसी को भगवान के दर्शन करने से आता है। हर व्यक्ति अपने आनंद के लिए आए हैं। इतनी शीत की लहरों में आप यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हो, भगवान के लिए नहीं आए हो, भगवान के द्वारे पर अपना आनंद लूटने आए हो। भोजन की थाली पर कौन जाता है? भोजन के लिए जाते हो, भोजन की थाली पर भोजन के लिए जाते हो, भोजन के लिए नहीं जाते हो, अपनी भूख मिटाने जाते हो। जाओ भैया, देखो अध्यक्ष जी, कभी कभी आप कहते भैया बैठो बैठो प्रवचन सुनो, बैठो बैठो प्रवचन सुनो, वो मैं कह रहा हूं जाओ भैया, फिर भी नहीं जा रहे हो। आज से भगवान से कहते प्रभु मैं अध्यक्ष नहीं हूं, आपके चरणों का सेवक हूं, और भाग्य मुझे जिस तीर्थ के लिए विश्व तरसता है उस तीर्थ की धैर्य की मैं सेवा करता हूं। ठीक है, और ऐसी सेवा करना जैसे बुजुर्ग करते रहे वैसे करते रहना मित्र। वो बुढ़िया अम्मा भी कहीं बैठी बैठी देख रही होगी कि हमारा तीर्थ चल रहा है। बैठ जाओ, कल फिर आओगे? कल फिर आओगे? मित्र विश्वास मानो, मैं तो दुनिया से कहीं जाऊंगा ही नहीं, कभी नहीं जाऊंगा। क्या हो गया? मैं संसार से कभी जाऊंगा ही नहीं। मोक्ष हो जाएगा तब भी नहीं जाऊंगा।
आत्मा का विनाश होता ही नहीं है। अविनाशी त्रिकालिक है, पर्याय बदलेगी, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो जो हूं सो हूं, जो हूं सो हूं, जो है सो है। इसलिए ज्ञानियों, जीव का विनाश नहीं होता है, पर्याय का परिवर्तन होता है। इसलिए रोना किस बात का, मुस्कुराना किस बात का, वस्तु स्वभाव तो जो है सो। इसलिए तटस्थ रहने का, तटस्थ रहने का। और जो तटस्थ जीवन जिएगा वही विश्व का भगवान बनेगा। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव परवाह सत्यन भिन्न महावीर स्वामी की।